ड्राइवर में वो जिनके पास लाइसेंस है वो लोग फ्रेशर भी ले रहे हैं, उसमें कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है। लोडर ड्राइवर को हम ओपन करके देख लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राजा फैसल व्लॉग्स। व्यूअर, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको जॉब अपडेट्स मिलती रहती हैं डेली के हिसाब से। शॉर्ट वीडियोस में आपको मेरी डेली के हिसाब से जॉब अपडेट्स मिलेंगी और मेरे टिकटॉक अकाउंट में आपको डेली के हिसाब से कोई ना कोई जॉब अपडेट आपको मिलती रहेगी। और यहाँ पर आपको पूरा तरीका बताया जाता है कि कौन सी जॉब अवेलेबल है और उस पर अप्लाई कैसे करना है। सो दोस्तों, वीडियो का भी लाइक कर दें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि जो तरीका मैं बताता हूँ जॉब में अप्लाई करने का वो प्रॉपरली आप लोग वो फॉलो कर सकें। सो इसी तरह आज मैं अपडेट लाया हूँ आप लोगों के लिए कि अबूधाबी एयरपोर्ट के लिए कुछ वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहले ड्राइवर हो गए, इक्विपमेंट ऑपरेटर हो गए, लोडर हो गए, हेल्पर हो गए, काफ़ी सारी हैं। मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाऊंगा। उन लोगों के पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर कोई एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस है। फ्रेशर भी हैं, हेल्पर हो गए, लोडर हो गए, वो फ्रेशर भी ले रहे हैं। इतिहाद एयरवेज़ के लिए वैकेंसीज़ हैं अबूधाबी एयरपोर्ट के लिए। सो आपको बिना टाइम वेस्ट किए आपको स्क्रीन पर ले जाएंगे। इससे पहले डिटेल की तरफ बढ़ें, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नोटिफिकेशन लाजमी ऑन किया करें, आल पे क्लिक किया करें ताकि आपको जो नई अपडेट्स आती हैं जॉब के हवाले से या फिर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलें ताकि आप लोगों से कोई मिस ना हो। चलें चलते हैं स्क्रीन पे, आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं और आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। सो यू आर, हमारे सामने इताद एयरवेज़ का कैरियर पेज ओपन है। एक मेन चीज़ कि आप लोग वीडियो स्किप ना करें, इसे एंड तक देखें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है एयरपोर्ट की जॉब के लिए। कोई भी जॉब है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि आप लोगों ने अकाउंट कैसे बनाना है, क्योंकि जॉब अप्लाई करने से पहले आप लोगों को अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। पहले चेक कर लेते हैं कि जॉब्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं, वो चेक करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अकाउंट कैसे बनाना है और अप्लाई कैसे करना है। सोवर, ये राइट साइड पे आप लोगों को ये कॉर्नर नज़र आ रहा है, ये चार पांच लाइंस में एक स्क्वायर बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे। ये देखें नीचे तीन चार ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से आपने क्लिक करना है फाइंड जॉब में। फाइंड जॉब पे हम जो ही क्लिक करेंगे तो नीचे हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज शो करेगा कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, और आपने अपने हिसाब से देखना है कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर किसी और के लिए। नीचे जाते जाएंगे, ये इनकी डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए हायरिंग चल रही है। हम नीचे जाएंगे, जो आपके मुतलका फील्ड की जो जॉब्स मैंने बताई थी जो थंबनेल पे मौजूद हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। टीम लीडर, हैवी ड्राइवर, अगर आपके पास चार नंबर हैवी लाइसेंस है तो एक्सपीरियंस भी है तो उनको टीम लीडर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रिसेंट इनकी जॉब्स हैं, यहाँ पे इनमें मोर सर्च में जाएंगे। टीम लीडर हो गया, सर्विस मैनेजर हो गया, बिजनेस सॉल्यूशंस हो गया, और नीचे मैं आपको ड्राइवर के भी दिखा देता हूँ। इक्विपमेंट ऑपरेटर भी हो गया, जिन जिन लोगों ने काम किया हुआ पहले किसी जगह या फिर एक्सपीरियंस है इक्विपमेंट ऑपरेटर का तो वो लोग समझते हैं कि इसकी क्या जॉब है। लोडर ड्राइवर में वो जिनके पास लाइसेंस है वो लोग फ्रेशर भी ले रहे हैं, उसमें कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है। लोडर ड्राइवर को हम ओपन करके देख लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको बता रहा है, नीचे जाएंगे एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, मेस एव आई यू ई लाइट व्हीकल लाइसेंस, मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट, मस्ट बी एजुकेटेड हाई स्कूल, ये चीज़ें ये सारी आप पढ़ लें। ये सारे रिक्वायरमेंट है, कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, कोई एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा हुआ। तो अप्लाई करने से पहले पहले हम और देख लेते हैं कि और कौन सी के पास अवेलेबल हैं। काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं इनके पास, हर फील्ड में, कार्गो में, स्टोर कीपर की ये जॉब अवेलेबल है। जिन लोगों की क्वालिफिकेशन अच्छी है, जो ऑफिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटी फील्ड में भी जॉब्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो काफ़ी सारी जॉब्स हैं यहाँ पे। अब सर्च करें अपने जो आपको प्रोफेशन है, जिस चीज़ में आपको एक्सपीरियंस है, जो चीज़ लाइसेंस है, ड्राइविंग है, टीम लीडर है, एयरपोर्ट का कोई और आपको एक्सपीरियंस है, या फिर एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जॉब जो दुबई, सॉरी अबूधाबी एयरपोर्ट के लिए हैं। अब इनमें हमने अप्लाई कैसे करना है, फॉर एग्जांपल आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम क्लिक करेंगे लोडर ड्राइवर पे। यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे,
जो ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे अगर आपका तो ऑलरेडी अकाउंट है तो फिर तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस पासवर्ड डालेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप सिंपली एक आप अपना क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, ये सारी चीज़ें। सो दोस्तों आपने अपना अकाउंट बनाना है, क्रिएट करना है। मेरा अकाउंट तो बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ लॉगिन करके कि अकाउंट जब बन जाएगा तो उसके बाद आपको किस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ये नीचे देखें, ईमेल एड्रेस डालेंगे, सिंपली है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपका अकाउंट नहीं बन रहा। अपना पासवर्ड डालेंगे जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, या अगर आप जॉब अलर्ट्स ऑन करना चाह रहे हैं तो ये चेक लगा दें, दूसरा चेक भी लगा दें, देन क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपने अकाउंट से लॉगिन होकर आपको फिर दिखाता हूँ कि उसके बाद आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा। सो दोस्तों जो ही आप लॉगिन करेंगे, ये मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन किया है, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, बिल्कुल ईजी है। आप नीचे जाएंगे, ये आपने यहाँ पे मेरी CV अपलोडेड है, लेकिन आपने अपनी CV अपलोड करनी है। कवर लेटर में आप लोगों ने अपलोड करना है, अपना इंट्रोडक्शन करवाना है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, या फिर एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप कितने पीरियड में आपको जॉब चाहिए, इस तरह की चीज़ें आप कवर लेटर में लिख लें। एक अप्लीकेशन होती है वो लिख लें। कोई आप एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना चाह रहे हैं अपना एजुकेशन के हवाले से, यहाँ पे वो ऐड कर दें। फिर आप प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपका पर्सनल बायोडाटा आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, करंट कंपनी जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, या फिर करंट स्टेटस जो आप विजिट वीज़ा पे हैं, जो भी है, ये सारी चीज़ें लिख के ये। उसके बाद आपने फिर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन के बाद आपने जॉब स्पेसिफिकेशन ये नीचे देख लें, नेशनलिटी जो आपकी नेशनलिटी है, आर यू करंटली बेस्ड इन UAE, यस आप UAE में हैं तो UAE लिखेंगे। और यहाँ पे आप लोगों ने ये देख लें, दिस पोजिशन रेस्पॉन्सिबल टू सॉर्ट मूव लोड एंड अपलोड बैगेजेस, मतलब कि ये इस तरह का काम हैवी भी हो सकता है, बैगेज लोड करने होते हैं ट्रैक्टर के ज़रिए, आप ये रोल परफॉर्म कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप जॉब की तलाश में आप कर सकते हैं, तो आप यस करेंगे। डू यू हैव वैलिड UAE लाइसेंस, डेफिनेटली यू हैव, आप इसे यस करेंगे। सो ये सिंपली से क्वेश्चन है जो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ आती है तो साथ पहले किसी से पूछ लें। ये सारे आपने फिलअप करने हैं, उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने जो ही आप क्लिक करेंगे अप्लाई पे, क्योंकि मैंने ये कुछ भी नहीं फिल किया तो ये मुझे यहाँ पे एरर शो कर रहा है, तो आपने सारा कुछ फिल किया होगा तो आपका एरर नहीं शो करेगा। तो आप जो ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये नीचे जो ही आप सारा कुछ फिल करके अपना बायोडाटा डाल के जो ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आपने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो कितने दिन में हम आपको रिप्लाई करेंगे। सो इन फ्यूचर में आपने यहाँ से जाके अपना स्टेटस चेक करना है, जो आपका आपको ईमेल भी आएगा, स्टेटस भी यहाँ से चेक करना है। ये आप अपना व्यू प्रोफाइल में जाएंगे, ये आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, यहाँ पे शो करेगा। अगर आप किसी और जॉब की तलाश में हैं तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं और जॉब भी, आपने कौन सी इससे पहले जॉब अप्लाइड की हुई है यहाँ से वो चेक करेंगे। यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर अ जॉब, अगर आपने नहीं की तो नहीं शो करेगा, आपने किया तो यहाँ पे आपका जॉब जो अप्लाई की है वही शो करेगा, और उसका स्टेटस भी शो करेगा कि उसका स्टेटस क्या चल रहा है। सो दोस्तों ये था आसान सा तरीका कि आप लोगों ने इतिहाद एयरवेज में कैसे अप्लाई करना है। सो होप को आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसी तरह की वीडियोज़ में लाता रहता हूँ इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ये आसान सा तरीका था, क्योंकि मैं आपको खाली जॉब अपडेट नहीं देता, मैं आपको साथ साथ अप्लाई का तरीका भी बताता हूँ, और टिकटॉक अकाउंट पे मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ये था कि आप लोग अबूधाबी एयरपोर्ट में इतिहाद एयरवेज़ का कैसे हिस्सा बन सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें लाजमी, ताकि कोई भी जो बेरोज़गार हैं, जो जॉब की तलाश में या विजिट में हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकें। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।